बीए फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है गृह सज्जा में रंगों की व्यवस्था, कि घर की जो सज्जा करने में कौन कौन से रंग प्रभावित करते हैं, वह रंगों की किस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है। पहला आता है कि रंग क्या है। रंगों का इतिहास अत्यंत पुराना है। सदियों से मानव इसका उपयोग अपने घरों को सजाने में करता आ रहा है। जंगलों के बीच में रहने वाले लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। दीवारों पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों को जादू की संज्ञा दी गई है। अंधेरे कमरे में प्रकाश लाने का काम रंगों के द्वारा किया जा सकता है। किसी सुंदर वस्तु के निर्माण में रंगों का अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब आता है कि रंगों के कार्य, रंगों के कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। रंग स्थान के आकार को बड़ा व छोटा करके दिखाते हैं। रंग व्यक्ति को निखारता है। रंगों का हमारे मन पर संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आता है रंगों के सिद्धांत में भौतिक शास्त्र के अनुसार रासायनिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पहला रंगों के सिद्धांत। मनुष्य को रंगों का ज्ञान प्रकृति से ही सीखने को मिला है। वैज्ञानिक अनुसंधानों, निरंतर प्रयासों, नवीन शोधों से आज मानव ने विभिन्न रंगों को बनाया। आज रंग के 200 से भी अधिक प्रकार देखने को मिलते हैं। मंचिल रंग में 200 रंग प्रणालियों को माना है और एक ही रंग के विभिन्न टिंट व शेड को दर्शाया गया है। भौतिक शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक व रसायन शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक सिद्धांतों को बताया है, जिसमें आते पहला भौतिक शास्त्र के अनुसार भौतिक शास्त्र ने अपने सिद्धांतों में दो भागों में बांटा है, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल, हरा व नीला रंग आते हैं और द्वितीयक रंग यानी कि दो प्राथमिक रंगों के मिलने से जो रंग बनता है वह द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे लाल प्लस नीला बराबर पीला, लाल प्लस नीला बराबर बैंगनी, नीला प्लस हरा बराबर मयूर नीला, यानी कि दो प्राथमिक रंगों के मेल से जो रंग बनता है वह द्वितीयक रंग कहलाता है। अब आता है रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग हैं। इन तीनों रंगों के संयोजन से मिश्रित रंग बनते हैं। जैसे लाल प्लस पीला बराबर नारंगी, लाल प्लस नीला बराबर बैंगनी, नीला प्लस पीला बराबर हरा, जो कि ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं। दो प्राथमिक रंगों के मिलने से जो रंग बनते हैं वे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। नारंगी, हरा व बैंगनी रंग द्वितीयक रंग है। एक प्राथमिक और वह उसका एक निकटवर्ती रंग मिलने से मध्यवर्ती रंग योजना होती है, जो कि ये छह प्रकार के होते हैं। उपरोक्त सभी 12 रंग मिलकर एक स्तरीय रंग चक्र का निर्माण करते हैं। अब आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार 4 रंग प्राथमिक रंग होते हैं, पीला, हरा, नीला व लाल। इन प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग बनते हैं। ये एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं। इन्हें पूरक रंग भी कहा जाता है। अब आता है मंचिल कलर प्रणाली या रंग प्रणाली। रंगों तथा उसके आपसी संबंधों को समझने से मंचिल की रंग प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली होती है। मंचिल के अनुसार 5 प्रमुख रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। इसके संपूर्ण चक्र के आधे भाग तो ठंडे होते हैं और वह आधे भाग गर्म रंग वाले होते हैं। ये भाग मिलकर ठंडी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे नीला रंग ठंडा माना जाता है, परंतु उसका गर्म प्रभाव उसमें रहने वाली रोशनी पर पड़ता है। इस प्रकार संपूर्ण रंग चक्र में 200 रंग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के टिंट व शेड के आकार में माने जाते हैं। अब आता है रंगों की प्रमुख विशेषताएं। प्राग में रंग की मुख्य रूप से तीन विशेषताएं बताई हैं। ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। ह्यू जिसमें आता है पहला ह्यू
ह्यू यह किसी एक रंग का नाम है, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी। इसका संबंध रंग की गर्मी एवं शीतलता से माना जा इस रंग का संबंध रंग की गर्मी एवं शीतलता से माना जाता है। अब आता है वैल्यू यानी मूल्य। रंग का गहरापन अथवा हल्केपन को यह रंग के गहरा व हल्केपन को दर्शाता है। अब आता है क्रोमा यानी प्रारंभिक रंग योजना का यह तीसरा प्रमुख गुण है। इसमें रंगों की तीव्रता भी इसे रंगों की तीव्रता भी कहा जाता है। क्रोमा से तात्पर्य रंगों की चमक से माना जाता है। अब अतः रंग संयोजन में कला के सिद्धांत यानी रंग संयोजन में कला के सिद्धांत रंगों में अनुरूपता, रंगों में संतुलन, रंगों में लय, रंगों में बल और रंगों में अनुपात, जिसमें पहला आता है रंगों में अनुरूपता। घर की सजावट करनी हो या परिधान की या अन्य किसी वस्तु की जो भी रंग प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें अपनापन व एकता की भावना का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सेकंड आता है रंगों में संतुलन। एक सुंदर, मोहक, आकर्षक, लुभावना सज्जा के लिए रंगों में संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। रंगों में संतुलन रंगों की मूल्य, तीव्रता, स्थान, गहराई आदि को दर्शाता है। रंग संतुलन ऐसा होना चाहिए कि वह मनोरंजक व सुखद हो। अब आता है रंगों में लय का होना। रंग संयोजन में लय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लयपूर्ण सज्जा आंखों को गति प्रदान करती है। रंगों के मूल्य तथा क्रम से लय की उत्पत्ति होती है। अब आता है रंगों में बल का होना। सज्जा को प्रभावशाली बनाने व आकर्षक बनाने के लिए रंग की प्रधानता दी जाती है। शेष सभी रंग उसी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते उसी के ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। अब आता है रंगों में अनुपात। वह सज्जा में रंग कितनी मात्रा में कितने स्थान पर व किस अनुपात में प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक रंग को उचित स्थान मिल सके। किसी एक रंग को बार बार उपयोग करने से मन ऊब जाता है। इससे बचने के लिए रंगों को मिलाते समय उसका अनुपात भिन्न भिन्न रखा जाता है। अब आता है रंगों को प्रभावित करने वाले कारक। गृह सज्जा में रंगों का अपना विशिष्ट महत्व एवं स्थान होता है। एक अत्यंत साधारण सा घर भी सुंदर रंग संयोजन से खिल उठता है। उसकी सुंदरता एवं खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अतः रंगों की मात्रा गृह सज्जा करते समय प्रत्येक रंग की मात्रा समान नहीं होनी चाहिए, बल्कि रंग क्षेत्र की विधि को ध्यान में रख करके बैठक कक्ष की दीवार पर हल्के नीले रंग को दर्शाया जाता है। अब आता है वैसे जब प्रभावित करने वाले कारकों में सेकंड प्रकाश। रंग व प्रकाश एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। प्रकाश के बिना रंगों का कोई महत्व नहीं माना जाता। हल्के रंगों के प्रयोग से कमरा बड़ा दिखाई देता है, जबकि गहरे रंगों के प्रयोग से कमरा छोटा दिखाई देता है। अब आता है कमरे का आकार व स्थिति। रंग संयोजन करते समय कमरे के आकार एवं स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक कमरे की अलग अलग स्थिति एवं विशिष्टता होती है। यदि एक ही रंग से सभी कमरों को सजा दिया जाए तो वे अच्छे नहीं दिखते। इसलिए सभी रूम्स में भिन्न भिन्न कमरों के प्रयोग करना एवं रंगों का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तित्व रुचि। गृह सज्जा के लिए रंगों का चयन करते समय व्यक्तिगत रुचि भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेषकर व्यक्तिगत कमरे की पसंद व्यक्ति की रुचि के अनुसार रंगों का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। जलवायु एवं मौसम। रंगों का चयन करते समय जलवायु व मौसम का अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गर्मी के मौसम में ठंडे रंगों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में गर्म रंगों का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक होता है। अब आता है सज्जा के उपलब्ध संसाधन। गृह सज्जा से कदापि यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि घर की सजावट केवल महंगी एवं सुंदर वस्तु से की जाए बल्कि उपलब्ध साधनों तथा सस्ती सामग्री से भी घर को सजाया जा सकता है एवं घर को नया रूप दिया जा सकता है। अब आता है कमरे का उपयोग। कमरे की उपयोगिता को ध्यान में रखकर योजना करनी चाहिए। वह कमरा जहाँ परिवार के सदस्य बहुत देर तक अपना समय व्यतीत करते हैं
वहाँ उसकी सज्जा इस तरह से की जानी चाहिए कि क्रियाशीलता में व्यवधान उत्पन्न ना हो। अगला फैशन, गृह सज्जा में प्रयुक्त किए जाने वाला रंग फैशन द्वारा भी प्रभावित होता है। फैशन से सज्जा में परिवर्तन आता रहता है। अब आता है शैली, गृह सज्जा के लिए रंगों का चयन करते समय शैली पर भी विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण रंग चटकीले एवं भड़कीले रंगों का प्रयोग करते हैं, जबकि आधुनिक शैली में हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों के सिद्धांत भौतिक शास्त्रीय के अनुसार, रासायनिक शास्त्रियों के अनुसार और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। भौतिक शास्त्री के अनुसार पड़ा प्राथमिक रंग या द्वितीयक रंग, रासायनिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनसेल रंग प्रणाली में 200 कलरों को प्रधानता दी गई है। अच्छा, रंगों की विशेषता, रंगों प्राप्त के अनुसार रंगों को 3 भागों में बांटा था, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। रंग संयोजन में कला के प्रमुख 5 सिद्धांत थे, अनुरूपता, संतुलन, लय, बल और अनुपात। और उसको प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, व्यक्तिगत रुचि, फैशन, शैली, सज्जा पे उपलब्ध साधन, कमरे का उपयोग, कमरे का आकार एवं स्थिति, रंगों की मात्रा किस प्रकार से की जानी चाहिए। ये था।